भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बलमा सिपहिया बने हुए हैं। निरहुआ ने अपने सोशल साइट पे वहां की एक फोटो शेयर किया है, जिनमें से सिपाही को वेशभूषा में दिख रहे हैं। निर्माता शिव नारायण सिंह व निर्देशक प्रमांशु सिंह की भोजपुरी फिल्म बलमा सिपहिया की शूटिंग इन दिनों आजमगढ़ के विभिन्न जगहों पर चल रही है। फिल्म का लेखन किया बतासा चाचा ने, मनोज टाइगर ने, जो खुद इस फिल्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, जबकि खलनायक संजय पांडे भी पुलिस अधिकारी की भूमिका में है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरहिट अदाकारा अमरपाली दुबे निरहुआ के अपोजिट में है। जुबली स्टार निरहुआ ने बताया कि फिल्मों में अक्सर पुलिस अधिकारियों की कर्तव्य परायणता या उनके अन्य पहलुओं को दर्शाया जाता है, लेकिन पुलिस अधिकारी के मातहत काम करने वालों की व्यथा को भोजपुरी फिल्मों में नहीं के बराबर दर्शाया जाता था। बलमा सिपहिया उन्हीं पहलू को उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि लेखक मनोज टाइगर ने कहानी का ताना बाना काफी मजबूती से बुना है, जिसे निर्देशक प्रमांशु सिंह बखूबी से पर्दे पर पेश कर रहे हैं। फिल्म की कहानी का खुलासा न करते हुए उन्होंने बताया कि बलमा सिपहिया मनोरंजन और गीत संगीत का मधुर मिश्रण होगा। नेक्स्ट नाउ न्यूज के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।